हेलो रिबान, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। सिचुएशन अगर नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक्ड है, बात हो रही है लेकिन दिल की बातें पता नहीं चल रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो पॉजिटिव जो भी लगता है उसे ही एब्जॉर्ब करना है, नेगेटिव सुन के आंसर का करना रिक्वेस्ट है प्लीज। ट्रस्ट, अट्रैक्शन, सून ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, योर वर्दी ऑफ लव, मिरर सेल्फ। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं कि जैसे खुद को किसी ने आईने में देखा हो तो खुद की शक्ल नहीं, किसी और की शक्ल नज़र आएगी। जैसे मिरर सेल्फ की एनर्जी है, खुद को एक तो खुद का चेहरा नज़र आना, चेहरा वो नहीं जो इमेज है, वो चेहरा जो असली है, क्या फील करता है इंसान, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे ऐसा लग रहा ना जैसे ये खुद जान पाए हैं कि इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, इनको ही सब चीज़ें ट्रीक करनी है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्शन फील करें आज के दिन आपके लिए। और अगर मैसेज या कॉल कॉन्टैक्ट बंद है तो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट इश्यू है वो उनके बिखरे हुए हैं। और जैसे यही कहना हो कि ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, लेकिन इनके ऊपर ट्रस्ट करना जैसे आपके लिए मुश्किल हो, क्योंकि इन्होंने पास में ऐसी गलतियाँ की है कि जिसकी वजह से ट्रस्ट करना मुश्किल हो। बट इनका अभी कहना है ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। देर ये जल्द से जल्द आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, आपके साथ है ना घूमने जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, आपको मिलना चाहते हैं, कहीं दूर चले जाए वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अचानक से किसी को एहसास होना यू आर वर्दी ऑफ लव, जैसे आपको अलग ही तरह से पहचाना हो, एक प्यार की खूबसूरत एनर्जी इसमें नज़र आ रही है। एंड ये जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यू आर वर्दी ऑफ लव। और अगेन चांसेस ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा जल्दी, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी शिफ्ट हो रही है, इच्छा है, अट्रैक्शन है, डिज़ायर है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। डोंट बी सो इनसिक्योर। तो कोई भी चीज़ की वजह से इनसिक्योरिटी का अगर आपके वजह से लाइक ना ट्रस्ट इश्यूज़ का तो प्रॉब्लम लग रहा है, तो इनका कहना है कि डोंट बी इनसिक्योर। स्पेशली ये थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, ज़्यादा चांसेस मुझे वो लग रहे हैं। तो इनका कहना है कि इनसिक्योर मत होइए, ये आपके ही है वाली चीज़। मुझे अचानक से मैसेज फील हुआ है, आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। ये अट्रैक्शन और ऑब्सेशन की एनर्जी आज स्ट्रॉन्ग है, डिज़ायर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि अचानक से इनका कॉल मैसेज आएगा और अचानक से घूमने जाने का प्लान हो सकता है। समटाइम आई विश आई नेवर मेट यू। ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ का है ना, वही फंडा लग रहा है मुझे कि इन्होंने जो ट्रस्ट तोड़ा, आपका दिल तोड़ा, जब आप उनको रियलाइज़ हो रहा है ना कि क्या कर दिया मैंने, ये मिरर में देख रहे ना अपने आप को तभी के वक्त का, तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि काश हम मिले ही ना होते, ये तकलीफ़ ये दर्द आपको दिया ही ना होता। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। सो इनका कहना है कि इनकी वजह से, इनकी तरफ से जो भी गलतियाँ हुई थी वो अनजाने में हुई थी, हर्ट करने का इनका इंटेंशनली कोई इरादा नहीं था, ऐसा कुछ मैसेज फील हो रहा है। आई एम ड्रीमिंग अबाउट, ड्रीमिंग ऑफ यू, आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू। सो अट्रैक्शन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप ही के सपने देखे जा रहे हैं, बहुत खूबसूरत एनर्जी है।
आई एम सो एम्बरेस्ड ऑन माई एक्शंस. एक रियलाइजेशन फैक्टर ना इस रीडिंग में आप देखोगे मैसेजेस में बहुत ज़्यादा है. एक रियलाइज़ होना कि मेरा प्यार कौन सा है, मैं किस इंसान के बारे में सोच रहा हूँ. ये बहुत ज़्यादा एक अपनी गलती के ऊपर एम्बेरस हो रहा है, गलती के ऊपर रियलाइज है कि मैंने क्या गलती की है. और यहाँ पे एक प्यार भी बढ़ रहा है. आई स्टॉक यू. आपके ऊपर मेरी तो नज़र है, सोशल मीडिया हो या ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, नज़र तो है आपके ऊपर. आई होप आई हैव लॉस्ट यू. अगर वही मैसेज है कि उनको जैसे ना डर लग रहा है कि आपको खो तो नहीं दिया. आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी. आप जिस तरह से इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल रिस्पांस नहीं है या एनर्जी नहीं है, तो अच्छा नहीं लग रहा है. आई नीड सिक्योरिटी. तो सिक्योरिटी इसका तो इश्यूज़ है. इनको इनसिक्योरिटी है, आपको इनसिक्योरिटीज़ है, एक दूसरे मिसअंडरस्टैंडिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है. तो ऐसा लग रहा है ना कि इनको आपकी स्टेटस स्टोरी डीपी से कुछ ऐसा इनसिक्योर फील हो रहा है, कहीं आपको भी सेम फील हो रहा है. तो दोनों तरफ से ऐसा ना आई नीड सिक्योरिटी वाला चीज़ फील हो रहा है. लेट मी परसी. अब भागने की बारी पीछे इनकी है, अभी आपके पीछे भागेंगे. ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं. ये वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. तो ये थी रीडिंग. आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स.